नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज सुनाने जा रहा हूं आपको अपनी लिखी एक कहानी, पल दो पल अपने भी। झूलती हुई झुर्रीदार त्वचा, लटकता हुआ हाथ का मांस, थोड़ी कड़ी हो चुकी कलाई, हर तरफ उभरी हुई नसें, हाथ की हथेली को खोले बरामदे में आने वाली बारिश की बौछारों के साथ खेलने और न खेलने के बीच की जंग में फंसा हुआ मन, संन्यास की अवस्था में बारिश के पानी के साथ खेलते हुए अगर कोई देख लेता तो जरूर प्रेमलता को पगली सन की बुद्धि बोलता। बस पगली और सयानी बोले जाने के बीच में वो बंध गई। बुढ़ापे में तो लोग अच्छे भले को पागल बना देते हैं और पगली का तमगा मिलना, प्रमाण मिलना, ना बाबा ना। लेकिन प्रकृति को कौन बांध सकता है। हाथ सिकोड़ती हुई प्रेमलता के बंद हाथों को छूते हुए बरसात के फुहारे उनके चेहरे को तरोताजा कर ही देते, जिससे उनका मन और ललच उठता, मन का बचपन जाग उठता। हर बार मानसून में बारिश होने से कुछ भूली बिसरी यादें नम हो ही जाती हैं। बरसात अतीत की उन सूखी दूबों को फिर से हरा भरा कर देती है। इन सब के बीच कमरे के अंदर से अपना चश्मा संभालते हुए प्रेम लता के प्रेम उनके पति श्री सुरेश निकलते हैं। बरामदे में कुर्सी पर बैठी अपनी बूढ़ी बेगम को देखकर उनका भी मन जवां शहंशाहों वाला हो उठा। वे कुर्सी के पीछे आए और अपनी प्रेमलता के पीछे खड़े हो गए, मतलब पीछे पड़ गए। वे पत्नी के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखकर मूसलाधार हो रही बारिश की ओर देखते हुए बोले, लग रहा है मोहतरमा फिर ख्यालों के गलियारों में सैर पर निकली हैं। कंधों को और कसकर पकड़ते हुए, हम जैसे नाचीज भी हैं आपकी उन गलियों में। प्रेमलता बिना मुड़े मूर्ति की तरह एकदम ठंडे स्वरों में, शहंशाह के पैर कब्र में लटके हैं और अभी भी इश्क फरमाए जा रहे हैं, और ये बरसात में आपकी जीभ को क्या हो जाता है। हिंदी हिंदी करते करते टपकते पानी में उर्दूबाज बन जाते हैं। यह सुनकर सुरेश की पूरी गर्मजोशी बर्फीली हो गई। पत्नी की नीरसता ने काट मार दी, लेकिन वो भी ढीठ थे। पत्नी की मनोदशा को थोड़ा नटखटा बनाने के लिए फिर प्रयास किए। वे बोले, शहंशाह बोल रही हो तो सुनो बेगम, वो लोग तो बड़ी शौक वाले थे, ताउम्र नए नए इश्क आजमा कर कब्र में आराम फरमाने जाते। अगर आप राजी हो तो। और रही बात उर्दू की, हिंदी तो घरवाली है और उर्दू पड़ोसन, अपनी नहीं है लेकिन बहुतों को अच्छी लगती है। बड़ी तहजीब वाली जबान है मोहतरमा। और ठहाका, प्रेमलता अपने आप को रोक नहीं पाई। कुर्सी पर बैठे ही बैठे अपना पेट पकड़कर लोटपोट हो गई। सारी गंभीरता ठहाके में बह गई। यह बात सूखे माहौल को गीला कर गई। प्रेमलता बोली, सुरेश आप भी ना। सुरेश भीनी भीनी मुस्कान के साथ, ऐसा मौसम उम्र को भी बेईमान बना देता है, याद है अपने कॉलेज का वो दिन। प्रेमलता, सुरेश मैं बूढ़ी हो गई हूं, कॉलेज के बहुत सारे दिन थे, अब सब धुल गए हैं, सब एक जैसे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दिखते हैं। सुरेश, मूसलाधार बारिश की तो एक ही याददाश्त है, उसे कैसे भूल सकती हूं। क्लास खत्म हो चुकी थी, सब लोग अपने अपने छाते खोलकर जाने लगे। तुम भी कुछ आगे निकल गई, अपनी सहेलियों में सबसे पीछे। मेरे वाले छाते ने धोखा दे दिया, मेरा छाता खराब हो गया, खुलने के लिए राजी न था,
मैं वहीं खड़ा होकर छाते से जंग करता रहा और तुमको पुकारने की हिम्मत जुटाता रहा, लेकिन औरों की भीड़ में तुमको चिल्लाना ठीक नहीं समझा, कंठ बंद सा गया था। फिर तुम्हारा अपने आसपास मुझे औरों से बचकर कनखी देखना और मुझे न पाने पर वो पलटना, वो सब तुम कैसे भूल सकती हो? प्रेमलता अपनी मंद मुस्कान के साथ, वाह, आपको तो वो दिन पल दर पल याद है। फिर मैं आपके पास गई तो पता चला कि आपने अपने छाते की डंडी जानबूझकर टेढ़ी कर दी थी। सुरेश ठाके के साथ, अरे बारिश के रंगीले मौसम में अपनी जान के लिए तो एक सेती के छाते की कुर्बानी बनती थी, याद है? फिर तुम्हारे छाते में आने के बाद पहली बार तुम्हें इतना अधिक महसूस कर पा रहा था। तुम्हारी सांसों की गर्मी मेरी रफ्तार पकड़ती धड़कन का कारण बन गई। छाते का एक डंडा और उस पर हमारे एक पर एक धरे हाथ, इससे पहले इतना करीब होना एक सपने जैसा था। एक ही मुराद थी, बस इस सपने की कोई सुबह न हो। सुरेश यादों की बाढ़ में एकदम डूब गए, भावनाओं से एकदम सराबोर हो उठे। ऐसा लगा कि टाइम मशीन में बैठकर वो 45 साल पीछे चले गए हों। उन्होंने प्रेमलता के सामने आकर उनके हाथों को पकड़ लिया और सहलाते हुए बोले, आज भी मुझे तुम्हारा पहला स्पर्श याद है। वही स्पर्श मैं अब भी महसूस करता हूं। तुम वैसी ही हो, मेरा प्रेम एकदम वैसा ही है। समय का चोर उसको रत्ती भर भी चुरा नहीं पाया है। प्रेमलता मीठी यादों के उस सैलाब को क्रमशः बढ़ाते हुए बोली, आप तो सपने में इतना डूब गए कि ध्यान ही नहीं रहा आपको कि छाता भी पकड़ना है। छाता तिरछा होता गया। हम दोनों बारिश में कब तर बतर हो गए पता ही नहीं चला। वो तो अच्छा था कि चाय वाले ने हम दोनों ही रांझाओं को देखकर ठहाका लगा दिया, जिससे आप सपने से जाकर वास्तविक दुनिया में आ पाए। चाय वाले भले आदमी थे, मेरी इज्जत बच गई, वरना हीर ऐसे रांझा के साथ अपने घर पहुंचती तो उसकी पीर ही पीर हो जाती, खूब धुलाई होती बरसात के फ्री वाले पानी से। थोड़ी देर की शांति के बाद प्रेमलता अपनी बातों को जारी रखी। समय कितना तेजी से बीत गया। शादी, बच्चे, बच्चों की परवरिश और उनकी शादी, फिर हम दोनों यहाँ। ऐसा लगा कि अपनी जिंदगी थी ही नहीं, किसी की उधार की हो, जिए और लौटा दिए। उस उधार का मोल कितना भारी था, इसका आज भी हम प्रायश्चित कर रहे हैं। आज एक पुराना घाव फिर उभरने लगा था, जिसके लिए माँ बाप अपना सर्वस्व लगा देते हैं, अपनी सांस, अपनी जिंदगी, अपने सपनों, सबको उधार दे देते हैं। बदले में उनको समय मरहम नहीं, कभी कभी और जख्म देता है। आज प्रेमलता की आंखों से मूसलाधार बारिश होने वाली थी, जो हृदय से चल चुकी थी। इससे पहले कि पीड़ा के आंसू उस सुहाने मौसम को फीका करते, सुरेश ने मोर्चा संभाला, बाढ़ को बाधा डाला और आग में बरसाती पानी डाला। अरे तुम भी क्या वही बातें लेकर बैठी रहती हो? हमारा काम था उसकी देखभाल करना, सो हमने किया। अब वो उसको माने या न माने, उसकी मर्जी। बुढ़ापे में हमें उसको अपने बीमे की तरह नहीं सोचना चाहिए। अपेक्षा की इमारत पे जितना अधिक ऊंचा चढ़ोगी, इमारत के ढाने पर चोट उतनी ही बड़ी होगी। हाँ, अगर इमारत मजबूत है तो सुख ही सुख। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद सुरेश बोले, जैसे उनके मन को घेरा हुआ कोई पुराना बादल हो जो कभी न बरसा हो।
बस किसी को भिगाने को तरसा हो। जानती हो प्रेमलता, मुझे रोहन से कोई शिकायत नहीं है, मेरी शिकायत खुद से है। बस एक गलती है जो हम दोनों ने की है, रोहन को बड़ा करने में हम अपना जीवन जीना ही भूल गए, खुद को नहीं जिए, उसके जीवन में अपना जीवन समझने लगे। रोहन के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम अपने लिए अपना कर्तव्य भूल गए। उस समय हमने क्या क्या कुर्बानियां दी, उसका कोई मोल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। इसीलिए तो अक्सर सुनने को मिलता है, आपने मेरे लिए क्या किया। काश उस समय हम लोग भी रंच मात्र अपने पर ध्यान दिए होते, अपने को एक दूसरे की आंखों में निहारे होते। हर मानसून में एक बार कॉलेज के उस दिन की तरह, जैसे बेपरवाह होकर बारिश में सराबोर हो गए होते, तो आज इतना कष्ट नहीं होता। कष्ट इसी बात का है कि न तो हमें राम मिले, न ही माया, न तो हम अपना समय जी पाए, न ही अपनी कुर्बानियों को रोहन के दिल में दर्ज करा पाए। सुरेश का दर्शन अपने चरम को चढ़ता जा रहा था। मां बाप कोरे कागज जैसे होते हैं, जो स्वयं का अस्तित्व मिटाकर उपन्यास और कहानियों को जन्म देते हैं। बहुत सारी कहानियां उन पन्नों को धन्य कर जाती हैं, लेकिन कुछ में लेखक को मलाल रह जाता है। यह मलाल मायूसी में न बदले, इसलिए मां बाप अपना भी जीवन जिए। हृदय से प्रस्थान किए हुए आंसू अब बूढ़ी मां की आंखों से झर 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 रहे थे, पीड़ा इतनी कि बादल फट जाए, चेहरे पर मौन की चीख इतनी कि बिजली कड़क जाए, और मन में अंधकार इतना कि बादल लजा जाए। सुरेश अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते थे, उनका पश्चाताप में भरोसा नहीं था, संभावनाओं में अपार यकीन था। जो बीत गया उस पर रोने से मायूसी ही मिलेगी, जो आगे है उसको सही करने में सुरेश को भरोसा था। प्रेमलता की आंखों में झांक कर, आज फिर से मेरा छाता टूट गया है, अपनी पोलका डॉट्स वाली छतरी में पनाह दे दो। प्रेमलता सुरेश की बातें समझ गई, 42 साल साथ में हो चुके थे, ऐसे में दूसरा एक दिन आगे क्या बोलने वाला है तक का आकलन आपसी समझ का मापदंड होगा। हाँ, इस पैमाने में थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है। प्रेमलता ने अपने आंसुओं को मनाया, उनको पोंछा। घर के अंदर से सफेद डॉट्स वाली लाल रंग की छतरी लेकर बाहर निकली। वो छतरी उनकी यादों की मड़ी थी, जिसको देखकर दोनों युगल जीवंत हो उठे। उन्होंने कॉलेज वाली उस छतरी को सहेज कर रखा था, दोनों उसको आलमारी में पड़े देखते थे, लेकिन अतीत के उस हंसी लम्हे को दोबारा जीने की कभी फुर्सत नहीं निकाल पाए। प्रेमलता के हाथों में पोलका डॉट्स वाली उस छतरी को देखकर सुरेश छात्र बन गए। प्रेमलता ने बोला, सुरेश छतरी पुरानी हो गई है और हमारा शरीर भी, आज सपने में मत खो जाना, भीग गए तो 2-4 गोलियां और खानी पड़ेंगी। कॉलेज वाले दिन की तरह एक हाथ पर दूसरे का हाथ और उन दोनों हाथों में एक छतरी की डंडी, दोनों अपनी यादों की बारिश में भीगते गए, चलते गए, चलते चले गए। उस दिन सुरेश को किसी सपने में नहीं खोना था, वो छाता सजगता से पकड़ते गए। प्रेमलता ने खुद उस छाते को बंद कर दिया, दोनों भीगने लगे, दोनों अपनी अपनी उम्रों के मानसिक बोझे को उतार दिए। एक आजादी थी, कोई बोझ नहीं था, खुलेपन का एहसास था, बस आज में भीगने की तमन्ना थी, जिसमें कल को डुबा देने की
प्रतिज्ञा थी। दोनों भीगते हुए एक चाय की दुकान पर पहुंचे। चाय वाले ने अप्रत्यक्ष रूप से खूब ठहाका लगाया, लेकिन दोनों लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। चाय पी और वापस चल दिए। वृद्धाश्रम वापस पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चली थी। गेट पर सुरक्षाकर्मी छाता ओढ़े घबराया हुआ खड़ा था, जैसे वो उन दोनों का ही इंतजार कर रहा हो। उसने बोला, काकी, रोहन भैया का टेलीफोन लगातार आए जा रहा है, बोल रहे थे आप लोगों का फोन नहीं उठ रहा है। दोनों लोग गार्ड की बातें सुनकर वृद्धाश्रम के अपने कमरे में गए। उस दिन कोई जल्दीबाजी नहीं थी। प्रेमलता ने टेबल पर पड़ा फोन उठाया और 50 मिस्ड कॉल रोहन के नाम से थी। तभी फिर रोहन का फोन आया। अरे मां, कहां थे आप लोग? कब से ट्राई कर रहा हूं, यहां सब लोग बहुत परेशान हैं। प्रेमलता आज अपना समय सूद समेत जीकर आई थी। बेझिझक बोली, बेटा, हम लोग अपना समय जीने गए थे और ये परेशान होने का ढोंग मत करो तुम। इसी शहर में रहकर हमें अकेले वृद्धाश्रम में भर्ती किए हो। तुम्हारे उतने बड़े घर में एक कमरा भी नहीं झेला जा सकता। प्रेमलता की भावनाओं का बांध टूटता इससे पहले सुरेश ने फोन छीन लिया और एकदम स्थिर मन से बोले, बेटा, तुम्हारी माँ बुढ़ापे में आउट हो गई हैं। उनकी बातों का बुरा मत मानना। रोहन, क्या हुआ पापा? एकाएक माँ की तबीयत तो ठीक है ना? सुरेश, तबीयत एकदम ठीक है। अभी अभी एक नसीहत तुमको देता हूँ बेटा, अनुभव से आया है। मैं चाहूंगा कि जब तुम मेरी उम्र के हो तब यही अनुभव दोबारा न करो। मेरे पोते रुद्रांश को भी कुछ कमी मत होने देना, और साथ ही तुम मियां बीबी अपनी जिंदगी भी थोड़ी बहुत ही सही जरूर जीना। आपाधापी में थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल लेना। तो ये थी कहानी पल दो पल अपने भी। आशा है कि आपको पसंद आई होगी, और ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेड इन काशी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार।